मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शार्प शूटर धर्मराज कश्यप और शिवकुमार उर्फ शिवा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। यह दोनों शार्प शूटर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के गंडारा निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मराज और शिवकुमार दोनों काफी सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में यह कब और कैसे आए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिवकुमार उर्फ शिव फरार बताया जा रहा है। बहराइच से कृष्ण चंद शुक्ल की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? जी हसन कुमार, प्रधान प्रतिनिधि गंडारा। अच्छा जी प्रधान जी, आपके गांव के दो लड़कों का नाम जो है जी, वो एनसीपी लीडर की हत्या में प्रमुखता से लिया जा रहा है। जी जी, क्या लगता है, आपको कुछ जानकारी है? क्या नाम माता जी? सुमन। अच्छा, ये शिवा कौन है? शिवा हमारा लड़का है भैया। कैसे आपको जानकारी है कि शिवा ने किसी मंत्री की हत्या की? हमका भैया जानकारी नहीं रहा है। हमका जानकारी यो हत्या सुबेरे भवा है, सभी कोई हम टट्टी गए हुआ से द्वारा बाहर लागे, फिर सभी कोई बतावे लागे तो हमार बीपी बढ़ गए, हम घबराए गए कि लड़का इसे रहा है, नहीं तो कैसे का हुई हुआ, बस हमार बीपी बढ़ गए हुआ से, तब से मनाई चलते है पुलिस आप लोग सब। कितने दिन से आपका जो है बच्चा यहाँ? बोलिन के 8 दिन पहले से ही नहीं आवा गवा है, पूना में हरीश नाम लड़का रहा है, दुकान के रहा है, हुए वही भंगाड़ काम करत रहा है। कई बच्चे हैं आपके? बाहर रहते हैं और कई यहाँ रहते हैं? 6 बच्चे हैं। तो ये पूना रहा है, एक थोड़े छोटा वाला आज 8-9 दिन 8 रोज नहीं भाई गवाह है, दिल्ली मांझिल वाला छोटा है, घर की स्त्री सही नहीं रहा तो न जाए तो का। इससे पहले भी वो मारपीट वगैरह करता था? नहीं कुछ नहीं करत रहा भैया, मारपीट कुछ नहीं, जब वहाँ से आवत रहा तो एक रोज सहितात रहा तो ईटा गारा कर लिया रहा, तब एक टंट पंट महन काम कर लिया रहा, टंट पंट लगावे चले जाते रहा कि मैंने करबे न तो कहीं ही काम आता रही बहन बिटिया, तो यहाँ तो भैया नहीं रहा, होलिन बाद फिर देखें तकलीफ तो फिर चले गए। कभी उसका किसी से झगड़ा वगड़ा होता? कोई से झगड़ा वगड़ा नहीं बाबा भैया, अब लड़का लड़ गया हुआ तो उसका ना बताई पेबे की हाँ खेल कूद में ही वो लड़ाई झगड़ा कोई के नहीं बाबा है। बम्बई में वो गैंग में शामिल एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है ऐसी खबर है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है, ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी कि जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे, और ये केस भी जो है फास्ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। Thank you.